जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल सिंह द्वारा गुरुवार के दिन बागली थाना सहित पुलिस चौकियों पर स्थानीय आमजन से जनसंवाद कर स्थानीय समस्याओं से रूबरू होकर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक बागली थाना अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकियों पर पहुंचे, जहां पर पुलिस विभाग के संबंधित समस्याओं से स्थानीय आमजन से संवाद कर समस्याएं सुनी। बागली पुलिस थाना और चौकियों पर पुलिस बल की कमी को लेकर आमजन ने पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया, साथ ही पुलिस चौकी चापड़ा पर 100 डायल उपलब्ध कराने की बात कही। पुलिस अधीक्षक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही चापड़ा पुलिस चौकी पर 100 डायल और बागली थाना सहित पुलिस चौकियों पर पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि स्थानीय समस्याओं से अवगत हो सके, उसी के लिए पूरे देवास जिले में पुलिस द्वारा जन संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। देखिए, एक तो आने वाले त्योहारों को लेकर जो व्यवस्थाएं रहनी है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति रहनी है, उसकी समीक्षा करने, क्या क्या अरेंजमेंट्स कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, उनकी विस्तृत व्यवस्था देखने के लिए सभी थाने और चौकियों का भ्रमण किया जा रहा है। साथ के साथ में हमारे जो ग्रामीण इलाके के नागरिक हैं, सभी लोगों से जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। हमने सभी थाना प्रभारियों को चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया है कि आप प्रत्येक गांव में जाएंगे, वहीं पर बैठ के अपनी समस्याओं को, परेशानियों को, उनकी जो बातें हैं, ताकि सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से हम लोग उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें और इस संबंध में आगे बढ़ सकें। ये कुछ पॉइंट्स आए हैं मेरे नज़र में, मेरे संज्ञान में आ जाए हैं कि कई चौकियों पर, थानों पर जहाँ जहाँ बल की कमी है, आगे आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए कहीं पर डायल हंड्रेड की गाड़ी खराब है तो उसका भी समाधान किया जाएगा। इन सभी पॉइंट्स को संज्ञान में लेने के लिए और इनके ऊपर कार्य करने के लिए विजिट रखेगी और इसमें सभी लोगों से जनसंवाद भी किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।